प्रदेश सरकार के द्वारा अपात्र लोगों से राशन वसूली नहीं की जाएगी, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि शासन द्वारा अपात्र लोगों से राशन वसूली की जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा रहा है, जो खुद अपनी मर्जी से राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं तो अन्य पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। किसी तरह की वसूली की कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो पहले प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया ही मान्य होगी। जांच में जो भी अपात्र लोग हैं उनका राशन कार्ड काटा जाएगा। उन्होंने कहा, जो भी लोग भ्रामक सूचना फैलाते हैं जिला प्रशासन खंडन करता है। उन्होंने कहा, नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन व एसी व 5 केवी का जनरेटर हो या आयकर दाता हो, इसके अलावा ऐसा परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर का मकान या फ्लैट हो, उनको राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति जिनके पास 1 से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो या सदस्यों की आय 3 लाख प्रति वर्ष हो। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी आयकर दाता हो या किसी परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 केवी का जनरेटर हो, इसके अलावा जिसके पास अकेले 5 एकड़ से अधिक की भूमि हो या परिवार के सदस्यों की आय 2 लाख रुपए से अधिक हो या ऐसे परिवार सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो, उनको राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। जिसका आदेश उत्तर प्रदेश के खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नहीं, काफ़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि शासन द्वारा अपात्र लोगों को या राशन के लिए वसूली करने की बात। ये सब सूचनाओं के खंडन हम लोग करते हैं। इसमें किसी तरह की ऐसी बात नहीं की जा रही है। जो स्वतः अपनी प्रेरणा से कोई गलत तरीके से जुड़ा है, उनके द्वारा राशन कार्ड अगर सरेंडर किया जाता है तो उनके जगह पे अन्य पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। किसी तरह की इस तरह की प्रवर्तन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार शासन द्वारा जैसे पूर्व में प्रक्रिया थी, पूर्व में पद्धति थी, सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी और जो भी अपात्र मिलते हैं उनको काटा जाएगा और पात्र अगर कोई वांछित रह जाता है उनकी जगह पर उनको जोड़ा जाएगा। ये गलत भ्रामक सूचनाएँ फैला रहे हैं, जिसका प्रशासन खंडन करता है।